अच्छा आपके बदार से पहले का है, आपके बड़ों का है मतलब? ओके कमाड़ी और ये अंकल जी हैं और इनका ये जो स्टॉल है 1887 का है, ये देखें ये लाइट हाउस। अच्छा माशाल्लाह, तो आपकी मतलब रिहाइश भी इधर ही है? नहीं, बंस रोड पे। बंस रोड पे है। अच्छा चाय बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जब भी कमाड़ी आई, इन अंकल जी की हाथ की लाजमी चाय पिए आप लोग, आपको दिखाने का मकसद ये है। और बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छी। देखो चाय बना भी कितनी स्टाइल में है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, चाय कितनी अच्छी। 1887 बरे सगीर के ज़माने का। अंकल जी आपको पता है मज़ार कितना पुराना है? मज़ार ये? हाँ बहुत पुराना है, पता नहीं मुझे। नहीं पता, तो अंदर बैठे हैं ना मजीद। अच्छा पूछे, बोले मजीद कौन है? मजीद मुगल। वो यहाँ की हिस्ट्री बताते हैं? हाँ वो बताएंगे आप। अच्छा सही। अच्छा यहाँ पे आपने सुना है जैसे लोग आते हैं मनते दुआओं के लिए, स्पेशली लोग मेरे ख्याल से सलाम करने आते हैं? किधर भी जाएं आप, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गिरजे में मांग के मिलता है। अल्लाह को तो मांग के मिलता है, नियत से। हाँ नियत सही बात है, ये तो है, मांग के मिलता है। आप नियत आपकी घर में कमरे में बैठे हुए नियत अगर आपकी ठीक है तो वहाँ भी मिल जाएगा। बेशक बेशक बेशक। बेशक चप्पल करके देखिए, चप्पल यहाँ रख दिया मेरे पास, वहाँ देख के आगे अंकल। हाँ भेजे कर रहे थे अंकल के, आपको पता होगा अंकल का मतलब। अंकल बोले आज कल चाचू, नहीं तो कल का मतलब चाचू भाई आज घर नहीं आओ कल आओ। हाँ अच्छा चाचू कल अंकल, अंकल है ना कल। अच्छा सही है, अच्छा है जाएगी आपने, हमें पहले दफा अंकल का मतलब पता चला। आ कल आ कल, अबू तो मालिक है ना घर का, सही अंकल सेकंड है। हाँ ये तो है। और मामू इंग्लिश में जो होगा, और उर्दू में उनका भी इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं। हाँ अंकल ही कहते हैं। और उर्दू में मामू को क्या कहें? उर्दू में मामू के मतलब बताएं। उर्दू का सर्च नहीं किया, सर्च तो दो तो मामा हो गया ना, मामू मामा। हाँ ये तो है, प्लीज को बिगाड़ेंगे नहीं।